ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए जानते हैं हर ताल का ती संपूर्ण पूजन विधि, सामग्री विधि एवं पांच काम की बातें। हर ताल का ती पूजा सामग्री की सूची। इन रीति रिवाजों से करें पूजन, शिव पार्वती देंगे अखंड सौभाग्य का वरदान। भारत का प्रमुख त्यौहार हरताल का तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुमारी युवतियाँ तथा सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरताल का इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ली गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इस त्यौहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिनी स्त्रियों का सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हर तालकाती पूजन सामग्री की सूची। हर तालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालूरे, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी या तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, प्राकृतिक फूलों से सजा, पार्वती माता की सुहाग की सामग्री, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार से उपलब्ध सुहाग पूरा आदि, पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। हर ताल का तीज व्रत कैसे करें। सर्वप्रथम उमा महेश्वराय पूज्य सिद्धये हरि तालिका व्रत मह करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हर ताल का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्णयुक्त, यदि यह संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालूरे अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर उन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हर ताल का व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास खोलें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर
पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें।